दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कौशल एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडोज 7 में गैजेट्स क्या होते हैं, जो जिनको हम डेस्कटॉप गैजेट्स भी कहते हैं, तो उनका यूज़ आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए, आप कंट्रोल पैनल पर जाइए और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, और यदि दिखाई नहीं देते हैं तो शो ऑल आप व्यू में जाकर के क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आपको डेस्कटॉप गैजेट्स ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू मीटर, करेंसी, फीड हेडलाइंस, पिक्चर पजल, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज मीडिया। तो इस तरह से इतने सारे गैजेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप नए ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ गेट मोर गैजेट्स ऑनलाइन, आप उसका यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे गैजेट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इन गैजेट्स का यूज़ किस लिए करते हैं, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पर कैलेंडर आपको दिख जाए, या स्लाइड शो होती रहे, है ना, या फिर सीपीयू बताता रहे कि कैसे काम कर रहा है, कितनी स्पीड है उसकी। ये सारे के सारे काम इन गैजेट्स के द्वारा किए जा सकते हैं, और ये कई बार अपने डेस्कटॉप को थोड़ा ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, कैलेंडर को आपने डबल क्लिक किया तो राइट साइड में कैलेंडर आपके सामने आ गया है, जो करंट डेट और टाइम को शो कर रहा है, डेट को शो कर रहा है। तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप क्लॉक को क्लिक करेंगे तो क्लॉक सामने आ जाएगी और जो करंट टाइम बताएगी इसका। सीपीयू मीटर है तो ये सीपीयू के बारे में और रैम के बारे में बताता रहेगा आपको कि करंट सीपीयू और रैम कितनी यूज़ हो रही है। करेंसी है, फीड हेडलाइंस है, पजल हैं। यदि आप इनको भी देखना चाहते हैं तो इनको आप डबल क्लिक करिए तो ये विंडो पे आ जाएगा, और वो बच्चों के लिए खेलने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई एक इमेज होती है इसमें, उस इमेज को बनाना होता है, मतलब सारी की सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करके इन इमेज को बनाना होता है। स्लाइड शो देखें आप, स्लाइड शो भी विंडो क्लियर हो गई, नीचे डिस्प्ले हो गई। वेदर है तो यदि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से अटैच है तो वेदर रिपोर्ट भी यहाँ पर आती रहेगी, कई प्रकार की सिटीज़ की वेदर रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये गैजेट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मीडियाज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी और आप वीडियोज़ प्ले कर सकते हैं, या जितना काम है विंडोज़ में और कौन कौन से काम है, म्यूज़िक हैं, है ना, या पिक्चर्स हैं, तो इनको या दोनों को आपको डिस्प्ले करना है तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जो जो गैजेट्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे गैजेट्स आप यहाँ पे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, मतलब इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी डिटेल भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो मंथ, करंट मंथ का, वो यहां पर ओपन हो गया है। आप कोई भी डेट देख सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, इसको बड़े रूप में देख सकते हैं तो देखिए डेट भी आ रही है और पूरा मंथ का कैलेंडर भी आपके सामने आ रहा है। इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसके साइज को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। तो देखिए बाकी प्रोग्राम जो होते हैं तो उनके लिए तो आपके पास ऊपर टाइटल बार होती है, टाइटल बार को पकड़ करके ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका स्थान चेंज कर सकते हैं। देखिए जो दूसरा गैजेट्स है वो यहां पर एक क्लॉक है, इस क्लॉक को भी आप
सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर 8 प्रकार की क्लॉक आपको मिलेंगी, तो ये आपके चॉइस के अनुसार एक एक करके सभी क्लॉक को आप देखिए और जो आपको अच्छी लगती है क्लॉक उस पर ओके कर दीजिए। आप अपनी क्लॉक का यहाँ नाम दे सकते हैं और नाम देने के बाद करंट टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको सेकंड का जो हैंडल है वो भी देखना है, जैसे वहाँ पर जो है उसमें हावर्स का और मिनट्स का जो हैंडल है वो दिखाई दे रहा है, उसकी जो सुई है वो दिखाई दे रही है लेकिन सेकंड्स की नहीं दे रही है, तो नीचे इसका ऑप्शन लिखा हुआ है शो द सेकंड हैंड, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी च्वाइस है कि आप कौन सा टाइम देखना चाहते हैं और उसका जो, जैसे हम लोगों का यहाँ पर है तो दिल्ली कलकत्ता मुंबई मद्रास जो है वो यहाँ से सेट करेंगे तो वो 5.5 घंटे का जो टाइम है वो GMT टाइम वो यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो उसको आपने क्लिक किया और यदि सेकंड्स का हैंडल आपको शो करना है तो इसको भी क्लिक करेंगे और जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखिए वो सेकंड्स भी यहाँ आने लगी और नीचे MKTC लिखा हुआ है, मतलब उसका जो नाम है वो भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसको सुधारना है तो वहीं पर आप फिर से जाइए और इसको आप सुधार सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसे हटा देंगे। तो देखिए सेकंड का हैंडल यहाँ से हट गया है। तो ये तो हमारे अपनी चॉइस के ऊपर है कि हम इसको कितना सजाना चाहते हैं, कितना सजा सकते हैं। अगला गैजेट्स जो है वो देखिए एक CPU मीटर है। तो पहला बड़ी जो वॉच आपको यहाँ पर मीटर दिखाई दे रहा है वो CPU का है और इसके पीछे आप देखेंगे एक छोटा सा वो RAM का है। तो ये आपको बताता रहेगा कि CPU कितना यूज़ हो रहा है, कितने परसेंट यूज़ हो रहा है और आपके RAM का यूज़ किस प्रकार से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे CPU मीटर आगे पीछे हो रहा होगा, जैसे मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ तो CPU की स्पीड जो है मीटर की जो बढ़ जाएगी और मैं छोड़ देता हूँ तो घट जाएगी। देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है तो CPU कम यूज़ हो रहा है, मैंने मेन्यू क्लिक किया तो सुई फिर से आगे बढ़ गई। देखिए तो जितने हम काम करते हैं तो यहाँ से हम बता सकते हैं किसी को भी कि भाई हमारा जो CPU है इतने परसेंट यूज़ हो रहा है, नहीं तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। हमें तो भाई प्रोग्राम ओपन हो रहा है तो यदि जल्दी ओपन हो रहा है तब हम बोलेंगे भैया CPU बहुत अच्छी स्पीड में है, काम कर रहा है। यदि स्लो यूज़ हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वो सही नहीं है। तो यहाँ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितना CPU यूज़ हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं या खुद भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर पज़ल है आगे, तो पज़ल का मतलब यदि एक कोई पिक्चर है आपके पास उस पिक्चर का आप यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग उन्होंने करके रखा हुआ है, तो इन सारे जो टुकड़े हैं इनको जोड़ करके एक नई पिक्चर बनानी होती है, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, माउस भी चलाना आता है। उसके आगे एक स्लाइड शो है, तो जितनी पिक्चर्स यहाँ पर इसमें डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं उनका स्लाइड शो चलता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके वो स्लाइड शो होता रहेगा और अगली पिक्चर को दिखाता रहेगा। पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, इसको स्टॉप भी कर सकते हैं या इसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो भाई फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। लार्ज साइज ऑप्शंस इसकी कुछ सेट करनी है तो ऑप्शन सेट कर सकते हैं आप। तो देखिए ये ऑटोमेटिक शो हो गया है, आप अपना काम करते रहिए साइड में और ये भी शो होता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो ये एंटरटेनमेंट के साधन हैं और जितना अच्छा आप इसको बना सकते हैं अपने PC को उतना अच्छा आप बना सकते हैं, देखने में सुंदर लगता है। तो आगे देखिए विंडोज़ मीडिया सेंटर है, तो मीडिया सेंटर में मतलब यहाँ पे म्यूज़िकल फाइल्स या ऑडियो वीडियो फाइल्स कितनी हैं। यदि आपका ये कंप्यूटर किसी डिस्क वगैरह से जुड़ा हुआ है तो उसके भी यहाँ पर प्रोग्राम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों जो जो आपको यहाँ पर चाहिए हैं गैजेट्स उनको आप लेंगे और डिस्प्ले कर सकते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो आपकी काफ़ी ये अच्छी स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये पीछे आप यहाँ पर रहेंगे लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो आ रहा है लेकिन गैजेट तो पीछे हो गया, वो हमेशा आगे रहे, तो उसी पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन टॉप करेंगे आप। तो देखिए मैंने इसी पे टॉप पे क्लिक किया था, तो मैं यदि पेंट ब्रश की विंडो बड़ी भी कर रहा हूँ या किसी भी प्रोग्राम की विंडो बड़ी करूँगा तो वो टॉप पे रहेगा हमेशा। तो इसी पे क्लिक करके देखिए ऑलवेज ऑन टॉप पे सेट कर दीजिए आप राइट क्लिक करके। अब ये सारे गैजेट्स जो होंगे वो कोई भी प्रोग्राम आप चलाएंगे तो उनमें सबसे टॉप पर रहेगा, कोई भी प्रोग्राम आप चलाएं। देखिए मैं वर्ड चलाता हूँ या कोई और फाइल खोलता हूँ, तो जैसे वो खुलेगा तो देखिए गैजेट्स आपके कहाँ आ रहे हैं, उस विंडो के ऊपर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको ऑलवेज ऑन टॉप पे सिलेक्ट कर दिया था इसलिए वो ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बता सकते हैं कि भाई इसमें अच्छी जानकारी मिल रही है, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।